तो गाइस दिवाली आ रहा है, हम कुछ नया ना बनाए ऐसे तो ही नहीं सकता है। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं डेकोरेशन लैंप। जी गाइस तो फटाफट से शुरू करते हैं। तो गाइस डेकोरेशन लैंप बनाने के लिए हम किन किन चीज़ों का यूज करेंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके का स्टिक देख सकते हो। ये जो हमने किसमें से झाड़ू में से निकाला है, जो कि झाड़ू के अंदर जो पाइप होती है उसके अंदर ये होता है कुछ इस तरीके से, इतना मोटा मोटा स्टिक इसका यूज़ करेंगे। और हमको चाहिए चार्ट पेपर, कुछ इस तरीके का एल्यूमिनियम वायर जो कि देख सकते हो, और हमको चाहिए एक पतला सा वायर जो कि हम नॉर्मली जो छड़ बांधने के काम में आता है उस वायर का यूज़ करेंगे। और यहाँ पर हम लोग 100 वाट के बल्ब का भी यूज़ करने वाले हैं। हमारे पास पूरे 800 वाट के बल्ब हैं। और गाइस हम जो डेकोरेशन लैंप बनाने वाले हैं वो हम लोग बनाने वाले हैं, चार डेकोरेशन लैंप बनाने वाले हैं। तो फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले लेंगे हम स्टिक और 5 अलग अलग साइज़ के हम लोग जो स्टिक को कट करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमने 5 अलग अलग साइज़ के जो स्टिक्स वो कट कर लिया यहाँ पर आप लोग देखते। और फटाफट से अभी क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे पास एल्युमिनियम वायर और इसको भी कट कर लेते हैं। इसका कोई साइज नहीं नापेंगे, वैसे तुक्का में कट कर लेते हैं। तो यहाँ से इतना बड़ा मैं कट कर लूँगा, पूरे इसके जो 16 पीस कट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने पूरे 16 पीस कट कर लिया है, छोटे छोटे कुछ इस तरीके के। फिर भी आपको मैं इसको नाप करके दिखाता हूँ। गाइस ये 7 इंच के मैंने एक पीस कट कर लिया है और कुछ इसी तरीके से पूरे 16 पीस हमने कट कर लिया है। और अभी जो लेते हैं ये वायर जो कि देख सकते हो, और इसको भी कट कर लेता हूँ मैं, और इसको मैं कुछ इस तरीके से इतना छोटा छोटा मैं कट कर लूँगा। 4 इंच का है भाई। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो पतले वाले वायर से इसको मैंने कट कर लिया है, और इसका जो पूरा 64 पीस है यानी कि 64 पीस हमने पूरा इसको कट कर लिया है, देख सकते हो कुछ इस तरीके से। और फाइनली सारी चीज़ें जो हमने कट कर लिया है बिल्कुल अच्छे से हमने कट कर लिया। अभी जो फटाफट से स्ट्रक्चर बनाना वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ गाइस, देख सकते हो दो दो मैंने कुछ इस तरीके से एल्युमिनियम वायर का शीट रख दिया है चारों तरफ, और इन सार का इन सबको क्या करते हैं इनमें कुछ इस तरीके से नॉर्मली में रख के, और कुछ इस तरीके से दोनों वायर दो दो टक्के मारेंगे, मतलब दो दो यहाँ, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। एक स्टिक में दो जोड़ूंगा, एक स्टिक में दो जोड़ूंगा, तो ऐसे ही इनमें भी दो और इनमें भी दो जोड़ लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं हमने जो पूरा इसमें सारे स्टिक्स में जो वायर को कनेक्ट कर लिया है, और अभी जो इनको एक दूसरे में जोड़ते हैं, और लास्ट में बनने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि स्ट्रक्चर वो कैसा बनने वाला है। तो फटाफट से बनाते हैं, इनको जोड़ते हैं। और तो फाइनली गाइस हमारे जो डेकोरेशन लैंप का स्ट्रक्चर वो बनकर रेडी है, पूरा जो स्ट्रक्चर वो बन चुका है। देख सकते हो ऊपर हमने और नीचे दो स्टिक्स लगा दिए हैं ताकि जो हम लोग बल्ब को इसमें आराम से होल्ड कर सकें, लटका सकें। और गाइस मैंने बोला था कि पूरे हम लोग 4 जो डेकोरेशन लैंप वो बनाने वाले हैं। तो गाइस यहाँ पर हमारे पास और भी डेकोरेशन लैंप्स के स्ट्रक्चर्स हैं जो कि देख सकते हो कुछ इस तरीके से। 4 हमारे पास डेकोरेशन लैंप के स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, और इन चारों पे मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ स्ट्रक्चर बनाया है। और अभी इन पर भी साथ साथ में ही इन पर भी हम पूरा जो चार्ट पेपर की जो रैपिंग वो करने वाले हैं। तो फटाफट से सारे जो लैंप्स है इन पर जो चार्ट पेपर से कवर कर लेते हैं सबको। तो गाइस मैं जो डेकोरेशन लैंप बनाने के लिए येलो कलर का चार्ट पेपर का यूज़ करूँगा, क्योंकि येलो कलर बिल्कुल ही बेस्ट कलर है और ये जो देखने में और भी प्यारा लगता है, तो इसका मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो गाइस हमारा लैंप कुछ इस तरीके से रहेगा, तो ऊपर का जो चौड़ाई होगा वो जो होगा 26.5, और नीचे का चौड़ाई होगा हमारा वो होगा 18 इंच, इसकी लंबाई होगी 29.5। तो ये जो कुछ इस तरीके से मैं इसको नाप के कट कर लेता हूँ फटाफट। तो गाइस मैंने इसको नाप लिया है और मैं आपको बता देता हूँ, जो नीचे की जो चौड़ाई है वो है 19.5, और ऊपर का जो है वो है 28, ऊपर का जो 28 है, और जो इसकी लंबाई है गाइस ये वाला लाइनिंग, ये वाला थोड़ी गलती से मिस्टेक हो गई मतलब गलती से खींच गया भाई, और ये है नीचे की जो लंबाई इसकी है वो है 29 इंच। तो कुछ इस तरीके से है, और ऐसे ही कुछ इस तरीके से हमको लगेंगे पूरे जो हमको कुछ इस तरीके से 16 पीस कट करने हैं। तो फटाफट से कट करते हैं।
तो यहाँ पर आप लोग देखते हो हमने जो पूरा 16 पीस कट कर लिया, यहाँ पर आप लोग देखते हो कुछ इस तरीके से। और अभी जो क्या करते हैं, हमारे पास जो स्ट्रक्चर है इसके ऊपर चिपकाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं कुछ इस तरीके से चारों बार चार्ट पेपर को कुछ इस तरीके से मैंने चिपका लिया है, और ऐसे ही सारे वो चार्ट पेपर को चिपका कर इसको कवर कर देंगे। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने जो चारों तरफ से चार्ट पेपर लगा कवर कर दिया है, और नीचे से भी मैंने चार्ट पेपर लगा दिया और कवर कर दिया, और कुछ इस तरीके से इसका लुक हो चुका है। और अभी जो मैंने सारे को भी ऐसे ही कर लिया है, तो मैं आपको दिखाता हूँ पास से। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से इन सबका जो लुक वो देखने को मिल रहा है, देख सकते हो भाई। और गाइस अभी जो क्या करते हैं, अभी जो लेते हैं बल्ब कुछ इस तरीके से। गाइस मैंने 100 वाट का बल्ब का यूज़ किया है, देख सकते हो। और चारों को हमने कुछ इस तरीके से मैंने डायरेक्ट होल्डर नहीं कनेक्ट किया, डायरेक्ट जो मैंने सोल्ड करके और कुछ इस तरीके से कैप लगा दिया, और इसको मैं चिपका देने वाला हूँ ताकि जो ये आराम से फिट हो जाए। और ये कुछ इस तरीके से इसमें फिट हो जा रहा है आराम से, और करंट का कोई भी ख़तरा नहीं है। और गाइस अभी जो क्या करते हैं, इनको जो कुछ इस तरीके से मैं इसके नीचे कुछ इस तरीके से होल्ड करके और इसे इधर से निकाल लेता हूँ, और ये कुछ इस तरीके से इधर साइड से निकल चुका है। और अंदर जो मैं टाइटली इसको फिट कर दूँगा, इसको बांध दूँगा। चारों को कुछ इस तरीके से बल्ब को मैं लगा लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो बल्ब को हमने फिट कर लिया है, लेकिन गाइस ऐसे सिंपल है भाई, तो ऐसे देखने में इसका जो लुक वो अच्छा नहीं है। तो अभी जो क्या करेंगे गाइस, इस पर जो कुछ इस तरीके से पतली पतली जो चार्ट पेपर की टुकड़े वो काट काट के कुछ इस तरीके से इसमें चिपकाते हैं, तो फटाफट से वो करते हैं। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से जो मैंने झालर टाइप का बना दिया है, और कुछ इस तरीके से जो लटक रहे हैं और देखने में भी प्यारे लग रहे हैं। तो ये जो बनकर रेडी हो चुका है, और अभी जो क्या करते हैं, इसके अंदर ये जो खाली पार्ट है इसके अंदर हमने वायर छोड़ा था, तो गाइस इसके अंदर भी हम लोग बल्ब लगाने वाले हैं, तो फटाफट से इसके अंदर बल्ब को फिट करते हैं। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देखते हो मैंने कुछ इस तरीके से अंदर बल्ब फिट करके और कुछ इस तरीके से ऊपर से चार्ट पेपर की मदद से पूरा कवर कर दिया है चार को कुछ इसी तरीके से। और अभी जो हमारा डेकोरेशन लैंप वो बनकर रेडी है, और गाइस अभी जो इसको चलाते हैं और देखते हैं इसका असली लुक। और गाइस मैंने अभी तक इसको चलाया नहीं है, एक भी बार किसी को भी नहीं टेस्ट किया है, तो आपके साथ मैं भी देखूंगा, तो फटाफट से जलाते हैं। तो गाइस अभी मैं इसको जलाता हूं, एंड 3, 2, 1 और भाई गाइस इसका जो कलर वो येलो है, मोबाइल में गाइस वाइट कलर दिख रहा है, तो थोड़ी कैमरा को एडजस्ट करना पड़ेगा। आपको देख सकते हो कुछ इस तरीके से इनका जो लुक हुआ है, आप लोग देखते हो नीचे से भी लुक देखते हो कुछ इस तरीके से आपने देख ही लिया है, तो आप भी बना सकते हो कुछ इस तरीके से, और दिवाली पे या फिर कोई भी फंक्शन में यूज कर सकते हो सजा करके, बहुत अच्छा सा लुक वो लग रहा है, तो देख सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो में कुछ नया देखने को मिला, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और मस्त और मज़ेदार वीडियो देखने के लिए। तो हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।